नमस्कार, मैं श्रुति झा। आज है 13 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार के पजस बड़ी खबरों को। तिल की खुशबू से महका बाजार। मकर संक्रांति आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। सदियों से चलती आ रही प्रथा के अनुसार इस दिन लोग दही चूड़ा और तिलकुट आदि का सेवन करते हैं, तो जाहिर सी बात है बाजारों में तिलकुट और तिलवे की महक आना और बाजारों का सजना सवरना आम बात है। ऐसे में इस समय में हर गली मोहल्ले में दुकानों का मेला लगा हुआ है, जहां पर तिल तिलकुट की सुगंध आ रही है। बाजारों की चहल पहल ऐसी है कि लोग ना चाहते हुए भी दुकान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने सिविल और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर पद के लिए 200 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक minoririrrigation.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बेटे के जन्म पर बिहार सरकार देगी बधाई कार्ड। अब अगर आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है तो अब सरकार अपनी तरफ से आपको बधाई देगी। इतना ही नहीं, जल्द ही सरकार ऐसे घरों का दरवाजा खटखटाएगी और साथ में बधाई का कार्ड थमाएगी। इसके साथ ही बिहार सरकार बेटी के जन्म पर 2000 रुपए जमा करेगी और उस घर के बाहर एक पेड़ भी लगाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार सरकार ने यह पहल बांका जिले से प्रभावित होकर की है। बिहार पुलिस की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। बिहार पुलिस की 11,880 पदों के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा 2 तिथि में होनी है, जिसमें 12 जनवरी की परीक्षा संपन्न हो गई। अब 20 जनवरी को परीक्षा करवाई जाएगी। दोनों ही दिन परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। इसके लिए राज्यभर में 550 सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें, हर पाली में करीब 3.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बिस्मिल्लाह खान के नाम पर खुलेगा संगीत विश्वविद्यालय। मशहूर शहनाईकार बिस्मिल्लाह खान के नाम पर जल्द ही डुमराव में संगीत विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान किया गया है, जिसकी स्वीकृति बिहार सरकार की कला संस्कृति विभाग ने दे दी है। खबरों की माने तो पहले यह विश्वविद्यालय भागलपुर और बेतिया में खोलने की बात पर सोच विचार चल रहा था, मगर अब यह विश्वविद्यालय डुमराव में खोला जाएगा। अभी और सताएगी ठंड। ठंड का असर अभी आने वाले कुछ दिनों में कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा हम नहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान का कहना है। मौसम विभाग की माने तो अभी चल रही पछुआ हवाओं के कारण मौसम में कनकनी का असर बरकरार रहेगा। वहीं यह भी साफ कहा है कि पछुआ हवा के कारण मौसम के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बिहार ITI की 5000 सीटें रह गई खाली। बिहार ITI में इस साल लगभग 5000 सीटें खाली रह गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुल 149 सरकारी ITI में 26000 से अधिक सीटों पर दाखिला के लिए प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी। इसमें से लगभग 19% सीटें खाली रह गई। यहां तक कि कुछ ट्रेंडों में 90% तक सीटें खाली रह गई। अब आइए जानते हैं बिहार के जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान की। शहनाई की दुनिया के सरताज माने जाने वाले बिस्मिल्लाह खान का जन्म बक्सर जिले के डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह के अलावा उनके परिवार के सारे लोग किसी न किसी तरीके से संगीत से जुड़ाव रखते हैं। बिस्मिल्लाह के शहनाई की गूंज बिहार समेत पूरे देश में लोगों ने सुनी है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने तो बिस्मिल्लाह खान के नाम पर डुमराव में संगीत विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान भी कर दिया है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे पूर्णिया के 4 छात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 जनवरी को होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिहार के लगभग 70 छात्रों को चयनित किया गया है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय पूर्णिया के 4 छात्रों का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, भागलपुर के शिक्षा पाटनी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी छात्रों से ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई थी। पटना के महावीर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के विभिन्न जिलों से पटना के महावीर मंदिर का दर्शन करने आने वाली सभी आम नागरिकों के लिए खबर खास है। पटना का महावीर मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है। इसमें से एक कारण यह है यहाँ पर मिलने वाले लड्डू, जो कि लोगों को बेहद पसंद आते हैं। दूसरा, इस मंदिर की कई सारी मान्यताएं, जिसके कारण लोग अक्सर अपने किसी भी शुभ दिन पर इस मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 1730 ईस्वी में बना यह महावीर मंदिर पटना के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इतना ही नहीं, महावीर मंदिर में हनुमान जी की 2-2 मूर्तियां स्थापित हैं। जल्द ही हर घर में लगेगा स्मार्ट मीटर। अब हर घर में स्मार्ट मीटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, अब सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाने से पहले अपना बकाया 10 किस्तों में चुकाने का मौका मिलेगा। वहीं स्मार्ट मीटर लगने से 1 महीने के बाद बकाया राशि देना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के 2 जगहों पर इस स्मार्ट मीटर का ट्रायल किया गया, जो कि सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिससे कि अब जल्द ही बिहार के सभी जिलों में इसकी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी।
पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर रघुवंश प्रसाद ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी। विधानसभा चुनाव आने में भले ही अभी कुछ समय बचा है, मगर बिहार की महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक और महागठबंधन दल एक दूसरे से बिफरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद के अंदर ही विरोधाभास की राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में पार्टी के रघुवंश प्रसाद ने राजद पार्टी की कार्यप्रणाली से नाखुश होकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पार्टी की बूथ स्तरीय पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय समिति के गठन नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। यूपीएससी ईपीएफओ ऑफिसर्स पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। संघ लोक सेवा आयोग ने सभी ग्रेजुएट्स के लिए ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर की 421 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाकर 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जगदानंद सिंह ने सभी महागठबंधन दल के लिए नेताओं पर की टिप्पणी। विधानसभा चुनाव आने में भले ही कुछ समय शेष है, मगर राजनीतिक गलियारे में इसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने महागठबंधन दल के सभी नेताओं पर टिप्पणी करते हुए यह साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी पार्टी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंची है। जल्द ही सभी पार्टियों की संयुक्त बैठक होगी। ऐसे में जो भी दल महागठबंधन के साथ नहीं चलेगा वह खामियाजा जरूर भुगतेगा। स्टेशन पर ट्रेन के कबाड़ को जोड़कर बनाई कलाकृति। अक्सर ट्रेन में पड़े कबाड़ को रेलवे कर्मी यूं ही कहीं फेंक देते हैं, वहीं दूसरी ओर सहरसा रेलवे स्टेशन पर इन कबाड़ों का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर रेलवे कर्मियों ने इन कबाड़ों को जोड़कर नई नई आकर्षित कलाकृतियां बनाई हैं। बिहार में विलेज टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा। बिहार सरकार जल्द ही राज्य के छोटे पर्यटन स्थलों को विकसित करने वाली है, जिसके तहत बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जल्द ही बिहार में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी की माने तो देश विदेश के अलग अलग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार जल्द ही एक रोडमैप तैयार करने वाली है, जिसमें छोटे पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना पर काम किया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति पर लालू यादव के घर में रहेगी शांति। मकर संक्रांति आते ही सभी नेताओं के घर पर इस त्योहार की सुख बुगाहट दिखाई देने लगती है। नेताओं के घर से दही चूरा और तिलवा तिलकुट की खुशबू आने लगती है। जहां एक और जदयू ने पहले ही अपनी तरफ से दही चूरा के भोज के आयोजन का ऐलान कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर पर इस त्योहार में सन्नाटा पसरा रहेगा। पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में लगेगा एक और AC 3 कोच। पटना राजधानी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। राजधानी से सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने राजधानी एक्सप्रेस में एक और AC 3 कोच को जोड़ने की तैयारी की है, जिसके पश्चात कुल मिलाकर अब इस ट्रेन में 23 डब्बे हो जाएंगे, जो कि पहले 22 थे। नवोदय विद्यालय की परीक्षा का हुआ शांतिपूर्ण समापन। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में पढ़ने की इच्छा रखने वाले सभी परीक्षार्थियों की प्रवेश परीक्षा का समापन 12 केंद्रों पर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस प्रवेश परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों की जांच पड़ताल प्रवेश द्वार से लेकर के क्लासरूम तक की गई। इतना ही नहीं, इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 2674 छात्रों ने आवेदन भरा था। सड़क सुरक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करने की हुई मांग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने एक अहम पहल पर जोर देने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है, ताकि स्कूली छात्र भी सरकार की इस योजना और सुरक्षा संबंधी बातों से अवगत हो सके। मध्य प्रदेश से लौटी हैंडबॉल खिलाड़ियों का हुआ स्वागत। 65वें राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 14 बालक एवं बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप 2019-20 में बिहार के नाम पर सिल्वर मेडल लेकर वापस लौटे सभी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त हैंडबॉल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित किया गया था, जिसमें नालंदा की 3 छात्राओं ने हिस्सा लिया था। नौकरी छोड़कर अब गरीब छात्रों को कर रहे हैं शिक्षित, यह वाक्य है सोनपुर का, जहां के निवासी मुकुल कुमार सिंह पिछले 9 सालों से गरीब तबके के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मुकुल कुमार सिंह खुद एक बीटेक के छात्र हैं, जो कि 2 साल पहले गुरुग्राम के मानेसर में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां से नौकरी छोड़कर वापस अपने घर लौटकर गरीब छात्रों को शिक्षित करने का काम शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार को खुला ऐलान। वर्तमान में जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर शुरू से ही केंद्र सरकार के CAA और NRC के मुद्दे पर अपने विचार को लेकर स्पष्ट हैं और इसके सख्त खिलाफ भी हैं। इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला ऐलान करते हुए यह साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार में NRC और CAA लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को NRC और CAA के मुद्दे का विरोध करने के लिए धन्यवाद किया है।
व्हाट्सएप पर जल्दी आने वाले हैं यह नया फीचर। सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अहम सूचना। व्हाट्सएप एक नई फीचर पर काम कर रहा है जिससे कि अब जल्द ही व्हाट्सएप में विज्ञापन भी नजर आने वाला है, यानी कि अब जल्द ही सभी व्हाट्सएप यूजर्स को स्टेटस वाले कॉलम में विज्ञापन भी दिखाई देंगे। हालांकि अभी इस फीचर के शुरू होने के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। छपाक ने दो दिन में की कुल 10.5 करोड़ की कमाई। रिलीज होने से पहले सुर्खियों में बनी रही छपाक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक ठीक ठाक चल रही है, जिसके तहत फिल्म ने कुल मिलाकर 10.5 करोड़ की कमाई कर ली है। आपको याद दिला दें, हाल ही में दीपिका पादुकोण JNU परिसर पहुंची थी, जिसके बाद से इसका सीधा असर इनके फिल्म के कलेक्शन पर पड़ने की बात की जा रही थी, जो कि थोड़ी बहुत सही भी अब मानी जा रही है। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों में यह साफ हो जाएगा कि दीपिका पादुकोण के JNU परिसर के दौरे का असर इस फिल्म पर कैसे पड़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बेटी के जन्म पर बिहार सरकार द्वारा बधाई कार्ड देने की पहल पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। बिहार जगत से जुड़ी तमाम खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।